ये है इसराइल, जिसे पूरी दुनिया स्टार्टअप नेशन के नाम से जानती है। भारत से 148 गुना छोटा होने के बावजूद, 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद, और तो और एनिमीज से घिरा होने के बावजूद, सिर्फ 75 सालों में इसराइल दुनिया के रिचेस्ट देशों में से एक बन चुका है। क्यों? इसराइल के मिलिट्री की वजह से। आज एक एवरेज इजरायली एक एवरेज इंडियन से 25 गुना ज्यादा अमीर है। लेकिन एक जमाने में इसराइल का हाल पाकिस्तान से भी बदतर हो चुका था। लोग रास्ते पर उतर आए थे, अपनी करेंसी को छोड़कर डॉलर्स में लेन देन कर रहे थे। तो इसराइल ने ऐसा क्या किया जिसने पूरे वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और इसराइली लोगों को दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक बनाया? Why is Israel so rich? ये है हमारी नई सीरीज Why So Rich, जहां हम दूसरे देशों की इकोनॉमीज को समझेंगे लेकिन एक आसान भाषा में, और खुद से सवाल करेंगे कि इन देशों की तरह भारत को डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप भी एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन चाहते हैं, अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने का हौसला हमें मिलता है। इसराइल इज अ कंट्री ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, ऐसी बातें जो कॉमन सेंस के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है। कॉमन सेंस कहता है कि इसराइल एक बहुत ही गरीब देश होना चाहिए। क्यों? 3 रीजंस। नंबर 1, इसराइल दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसराइल के तीनों साइड्स ऐसे देश हैं जो इसराइल को एज अ नेबर बिल्कुल नहीं चाहते। नंबर 2, इसराइल बहुत वॉर्स में उलझा हुआ है। वॉर मतलब इंस्टेबिलिटी और वॉर मतलब खर्चे। नंबर 3, इसराइल के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। ऑफ कोर्स ये एक डेजर्ट है। इसराइल के पास ना ही खेती के लिए ढेर सारी जमीन है और ना ही अपने अरब पड़ोसियों की तरह तेल। ज्यूइश लोगों में ऐसा जोक है कि ज्यूइश लोगों ने अपना देश बसाने के लिए एग्जैक्टली वही जगह चुनी जहां पर तेल है ही नहीं। तो इसराइल अमीर बना कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने सबसे बड़े एनिमी को मार गिराया। ये एनिमी कोई अरब देश नहीं है, ये एनिमी है इन्फ्लेशन। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 14 मई 1948 को इसराइल के फॉर्मेशन से लेकर 1980s के शुरुआती दिनों में कांस्टेंट वॉर की वजह से इसराइल की इकोनॉमी खोखली हो चुकी थी। 1984 की बात है, जब इसराइल का हाल आज के पाकिस्तान की तरह हो चुका था। आज जैसे आप पाकिस्तान में देखते हैं कि लोग गैस के लिए, गेहूं और चावल के लिए, बिजली के लिए मारामारी कर रहे हैं, इसराइल में भी इकोनॉमिक हालात कुछ ऐसे ही थे। कहने का मतलब ये है कि इसराइल में हाइपर इन्फ्लेशन हो रहा था। कितना पता है? 445%। लोगों का खुद की करेंसी पर से विश्वास उठ रहा था और सब लोग डॉलर्स में ही डील कर रहे थे। ये इसराइल के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन इसराइल के पास कुछ ऐसा था जो पाकिस्तान के पास नहीं था, और वो है बेहतरीन लीडरशिप। प्राइम मिनिस्टर शिमॉन पेरेस और फाइनेंस मिनिस्टर यिज़्दाक मोडाय, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने 1985 में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन प्लान लाया। प्राइस फ्रीज, वेज कंट्रोल, डीवैल्यूएशन, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट, नो प्रिंटिंग ऑफ मनी, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इस प्लान में इन सारी बातों पर फोकस हुआ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइस फ्रीज, नो प्रिंटिंग मनी एंड रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर बात करेंगे। 3 महीनों के लिए सारे एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस फिक्स कर दिए और रूल लाया कि इन्हें 3 महीनों के लिए कोई भी बढ़ाएगा नहीं। उन्होंने अपने आप पर रिस्ट्रिक्शंस लाए कि सरकार बेमतलब पैसे प्रिंट नहीं करेगी। इंस्टेड उन्होंने सेंट्रल बैंक को फ्रीडम दिया कि बॉस आप एक्सपर्ट हो, आप डिसीजन लो। और सबसे इम्पोर्टेंटली उन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स बंद कर दिया, यानी फूड सब्सिडीज हटा दिए, क्योंकि इसमें सरकार का बहुत सारा खर्चा हो रहा था। सिर्फ 1 साल में इन्फ्लेशन 445% से कम होकर 20% तक आ गया और सरकार के पैसे भी बचने लगे। इन पैसों का क्या हुआ? ये पैसे किसी करप्ट नेता के पॉकेट में नहीं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए यूज हुए। इसराइल अपने जीडीपी का 6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है। ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट नंबर है। ये है इसराइल के सक्सेस का पहला राज। इसराइल का टैलेंट यही है कि यहाँ सारे एक्शंस वॉर फुटिंग पर लिए जाते हैं। हर प्रॉब्लम को
एक डू और डाई सिचुएशन की तरह देखा जाता है। आज जिस तरह अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, वैसे ही इसराइल में सिलिकॉन वाड़ी है। इस छोटे से देश में जिसका पॉपुलेशन मुंबई से भी आधा है, 95 यूनिकॉर्न्स है। और इसका रीजन है IDF, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस। 18 साल के होने के बाद हर एक को मैंडेटरी मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और यहाँ वो एक इम्पोर्टेंट बात सिखाता है, और वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने पड़ता है, एक शार्प माइंड से नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, और सबसे जरूरी एक काम माइंड रखना पड़ता है। सेम क्वालिटीज एक स्टार्टअप में भी लगती हैं, और ये क्वालिटीज इसराइल मिलिट्री ट्रेनिंग के थ्रू अपने यूथ को देता है। कोलैबोरेशन, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से, इस मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से इसराइल का यूथ रिस्क लेना सीखता है, फेलियर को एक्सेप्ट करके फिर से ट्राई करना सीखता है, चैलेंजेस के बारे में भी सीखता है और उन्हें कैसे मात देनी है ये भी। अगर आपको लगता है कि भारत में भी कॉलेज में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, तो नीचे कमेंट्स में हमें आपका ओपिनियन जरूर बताइए। इसराइल हर साइड से एनिमी से घिरा होने की वजह से सर्वाइवलिस्टिक माइंडसेट बचपन से ही बच्चे सीख जाते हैं। हमारे कुछ ज्यूइश फ्रेंड्स जो तेल अवीव जाते रहते हैं, हमें बताते हैं कि दिन में कभी भी साइरन्स बजने लगते हैं और फिर लोग अपने घरों के नीचे बंकर्स में जाकर छुप जाते हैं, फिर साइरन शांत होने पर वापस काम के लिए लग जाते हैं। रॉकेट से अटैक होना मानो इजरायलीज के लिए आम बात बन चुकी है। तो जो लोग हर दिन बरसने वाले रॉकेट से नहीं डरते, वो बिजनेस में फेल होने की रिस्क से क्यों डरेंगे? इनफैक्ट वो सिक्योरिटी एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया भर में होने वाले 40% साइबर सिक्योरिटी, एंटीवायरस और डेटा प्रोटेक्शन सर्विसेज के सेल्स इजरायली कंपनीज करती हैं। वैसे ही ये देश सेमीकंडक्टर और AI जैसे क्षेत्रों में एक इनोवेटर माना जाता है। इजरायल के टोटल GDP का 4% तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आता है। सरकार की ओर से इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है, उन्हें टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो बाहर से पैसा अंदर लाने में इजरायल एक्सपर्ट है। ये है इजरायल का दूसरा सीक्रेट। आज इजरायल का क्या हाल है? आज इसराइल का सिर्फ 1.1% एग्रीकल्चर से, 17.3% मैन्युफैक्चरिंग से और 81.6% सर्विसेज से आता है। इसराइल के GDP का 40% हिस्सा एक्सपोर्ट से आता है। इनमें कट और अनकट डायमंड्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, मेडिकल इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर शामिल है। पूरी लिस्ट और उनके एक्सपोर्ट का ब्रेकअप आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। इसराइल के अमेरिका और यूरोप के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं, जिनकी वजह से ट्रेड में इसराइल को हेल्प होती है। तीसरा सीक्रेट है रिलीजियस टूरिज्म। इसराइल में रिलीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन रिलीजन की वजह से उनकी इकोनॉमी भी चलती है, क्योंकि ज्यूइश, मुस्लिम और क्रिश्चियन पंथों के लोगों के लिए इसराइल और खास करके जेरूसलम एक पवित्र जगह है। तो दुनिया भर से हर साल 40 लाख टूरिस्ट इसराइल आता है। इसराइल का पॉपुलेशन कुछ 90 लाख है, यानी अपने पॉपुलेशन के आधे टूरिस्ट इसराइल हर साल होस्ट करता है। केसी नाइस्टैट एक अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर जो कहते हैं कि वो बचपन में अपनी फैमिली के साथ हर साल जेरूसलम जाया करते थे। हमें यहाँ ज्यूइश कम्युनिटी की प्रशंसा करनी ही होगी, क्योंकि ज्यूइश लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। हम इंडियंस भी वैसे ही हर देश में बसे हुए हैं, लेकिन छुट्टियों के समय कितने NRIs वापस भारत आते हैं, कितने लोग हमारे मंदिर देखने जाते हैं। ये कल्चरल डिफरेंस इकोनॉमिक डिफरेंस भी है। एटीट्यूड का डिफरेंस प्रोग्रेस में डिफरेंस लाता है। इसराइल के संपत्ति का एक और बड़ा राज है अमेरिका। Did you know, इसराइल को आज तक अमेरिका ने $300 बिलियन एड के तौर पर दिए हैं। उन्हें हर साल $4 बिलियन मिलते हैं। इस छोटे से देश का पॉपुलेशन दुनिया का 0.01% ही है। प्लस उनका पर कैपिटा GDP $54,900 है, यानी किसी भी डेफिनेशन से इसराइल गरीब तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ US एड है। इसमें इकोनॉमिक एड के साथ साथ मिलिट्री एड भी शामिल है। आसान भाषा में समझे तो अमेरिका इसराइल को पैसे देता है और इन पैसों से इसराइल अमेरिकन हथियार खरीदता है, यानी इसराइल अमेरिका के लिए अपने मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को फंड करने का एक मस्त तरीका है। अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर क्यों और कैसे बना, इसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। अमेरिका का प्रेसिडेंट रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट,
इसराइल को सपोर्ट करना परमानेंट रहता है। इस सपोर्ट के बदले अगर अमेरिका को मिडल ईस्ट में किसी टारगेट को एलिमिनेट करना है, ड्रोन स्ट्राइक करनी है या अपनी ताकत जतानी है, तो इसराइल उनके बिहाफ पर ये काम कर सकता है। ये सपोर्ट इसराइल में स्टेबिलिटी लाता है, इन्वेस्टर्स के लिए कॉन्फिडेंस लाता है, और इसीलिए इसराइल में वॉर हो या ना हो, इसराइल की कंपनीज को फंडिंग की कभी भी कमी महसूस नहीं होती। और इन्हीं रीजंस के चलते पिछले एक साल से वॉर में बिजी होने के बावजूद इसराइल की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्योंकि वो अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी खुद के लिए बनाता है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी दुनिया को भी बेचता है, और जो पैसे देश में आते हैं वो फिर से R&D में लगा देता है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा, इसराइल से भारत को क्या सीखने की जरूरत है? भारत और इसराइल की जर्नी काफी सिमिलर रही है। हमें आजादी मिलने के कुछ ही दिनों बाद इसराइल फॉर्म हुआ। जैसे हम पिछले 75 सालों से पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, इसराइल अरब देशों से लड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम सिमिलर है तो हो सकता है सॉल्यूशंस भी सिमिलर हो। तो सॉल्यूशंस क्या है? नंबर 1, रेवड़ी पॉलिटिक्स का दी एंड। आज हम देखते हैं कि इलेक्शंस नजदीक आने पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपने वोटर्स पर पैसों की बौछार कर देती है। कोई खटाखट पैसे देता है तो कोई हर महिला को अपनी बहन बनाकर उनसे वोट्स मांगता है। पहले लोग मुफ्त की बिरयानी में खुश थे, लेकिन अब मुफ्त की बिजली, मुफ्त का बस ट्रैवल, सबको कुछ ना कुछ मुफ्त में चाहिए। ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल किसी ना किसी को तो भरना ही होगा। नथिंग इज फ्री। सरकार चलानी है तो खर्चे कम करो, और खर्चे कम करने हैं तो इलेक्शन से ज्यादा इकोनॉमिक्स पर फोकस करो। लेसन नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट। इसराइल ने इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया, जहां वो अपने GDP का 6% R&D में इन्वेस्ट करते हैं। भारत सिर्फ 0.6% इन्वेस्ट करता है। इसी वजह से भारत में इनोवेशन होता है ही नहीं, और भारत का बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट देश छोड़ के किसी ऐसे देश जाता है जहां उसके टैलेंट की कदर हो। आज भारत में बिजनेस करना बहुत टफ है, जिसे हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। हमारा सिस्टम कुछ ऐसे ही बना हुआ है कि कोई भी अगर पैसे कमा रहा है, इसका मतलब है वो कुछ ना कुछ काले धंधे जरूर कर रहा है। हमारा सिस्टम एनकरेजमेंट के लिए नहीं, डिस्करेजमेंट के लिए बना है, और ये डिस्करेजमेंट सिर्फ भारत के बिजनेसेस तक सीमित नहीं रहता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसीलिए कम होता है। किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उनके पास भारत में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिव क्या है? क्या यहाँ के सिटीज वर्ल्ड क्लास है? क्या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है? क्या यहाँ पर रहना कोई भी फॉरेन एग्जीक्यूटिव पसंद करेगा? इसीलिए लोग कहते हैं कि दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट GDP होने के बावजूद भारत एक गरीब लोगों का देश है, क्योंकि हम मेंटालिटी से अभी भी गरीब ही हैं। नंबर 3, मिलिट्री ट्रेनिंग। भारत के युवा को मिलिट्री ट्रेनिंग मिले या ना मिले, मिलिट्री के प्रिंसिपल्स हमें सिखाए जाने चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क क्या होती है, फेलियर से कैसे डील करना है, ये बातें सिर्फ वॉर में ही नहीं बिजनेस में भी काम आती है। और इसी वजह से इसराइल स्टार्टअप नेशन के नाम से जाना जाता है। भारत में कोई भी डिसीजन वॉर फुटिंग पर कभी लिया ही नहीं जाता। भारत में आम जनता को मिलिट्री ट्रेनिंग मिले या ना मिले, आई फील सारे पॉलिटिशियंस को मिलिट्री ट्रेनिंग जरूर मिलनी चाहिए, शायद तभी उनमें 1% इंटेग्रिटी आएगी। इसराइल में उनके स्किल्ड लोगों की वजह से वहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस आते हैं, ये बात भारत को समझनी होगी। इन द एंड यही कहना चाहता हूँ कि इसराइल एक परफेक्ट देश बिल्कुल नहीं है। इसराइल में कई फ्लॉज हैं, पॉलिटिकल फ्लॉज हैं, इकोनॉमिक फ्लॉज हैं, लेकिन फिर भी भारत को इसराइल से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अगर इसराइल से भारत को और इंडियंस को सबसे ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है तो वो ये कि इसराइली लोग सच में इसराइल से प्यार करते हैं। वो सच में चाहते हैं कि इसराइल आगे बढ़े, लेकिन भारत के लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रगति के बारे में सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद रिच बनना चाहते हैं। फिर अपने एक्शन से देश गरीब का गरीब ही क्यों ना रहे। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।